हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सबकी लाइफ ग्रेट होगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बोगनविलिया की कटिंग कैसे लगा सकते हैं वो बताऊंगी। तो कटिंग लगाने के दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली सॉइल में लगा सकते हैं और दूसरा है आप उसको पानी में भी लगा सकते हैं। तो सॉइल में जो कटिंग मैंने ग्रो की थी, लगभग मैंने 4 कटिंग उसमें सॉइल में मैंने ग्रो किया था, जिसका मुझे 0 रिज़ल्ट मिला है। मतलब एक भी मेरा जो कटिंग है वो सक्सेस नहीं हुआ। तो कुछ कटिंग्स मैंने पानी में भी लगाई थी, जिसमें से मेरे कुछ 3 कटिंग्स सक्सेसफुल हुई थी। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे 3 कटिंग्स। तो ये मेरा पहला कटिंग, आप देख सकते हो इसके रूट्स कितने अच्छी तरह डेवलप हुए हैं। अब देखिए इसके रूट्स देख सकते हैं आप, काफ़ी डेवलप हो चुकी है। कटिंग है जो कि पूरी तरह डैमेज हो चुका है। एक्चुअली मैंने इसे ग्लास में रखा था, जो कि गलती से मेरे हाथ से गिर गया ग्लास, और इसके भी रूट्स काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ ही रूट्स बची हुई है अभी, लेकिन बट ये अभी इसको कुछ हुआ नहीं है, बट इसके सारे लीव्स जल चुके हैं, ये लगभग डेड है। फिर भी इसको मैं ट्राई करूँगी, सॉइल में लगाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आपने देखा इसके रूट्स कितने अच्छी तरह ग्रो हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वाइट डॉट्स जो है, जब हम कटिंग लगाते हैं पानी में तो पहले तो हमें ये वाइट डॉट्स दिखती है, जो आप देख सकते हो। तो कुछ लोग जब ये वाइट डॉट्स दिखने लगती है तभी इसको सॉइल में लगा देते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी वो जो कटिंग्स होती है वो सक्सेस नहीं हो पाती है। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपकी कटिंग है वो सक्सेसफुल हो, तो आप इस तरह उसके रूट्स ग्रो होने तक वेट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको जब पानी में आप जब कटिंग ग्रो करते हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जो मैंने रखी थी। तो पहला, जो आपको इसका जो वाटर है, जो पानी है, आपको इसको रेगुलरली क्लीन करना है, क्योंकि जब ये हम कटिंग लगाते हैं तो इस कटिंग को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि वो पानी से ही उसको मिलता है। तो अगर आप 3-4 दिन अगर इसके पानी चेंज नहीं करोगे तो इसके जो रूट्स वो डेवलप तो ज़रूर होंगे, लेकिन इसके रूट्स डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है कि इसके पानी रेगुलरली चेंज करना है। ओके, जो सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, हमने पहले पानी तो चेंज कर लिया, लेकिन सेकेंड ये है कि जब हम पानी अगर चेंज नहीं करेंगे रेगुलरली, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का एल्गी फॉर्म हो जाता है, चिपचिपाहट सा। तो अगर आप 3 रेगुलरली पानी नहीं करोगे तो वो ज़रूर फॉर्म होगा। तो आप इसीलिए ये पानी आप रेगुलरली चेंज कीजिएगा। ओके, तो हमने पानी जो रेगुलरली चेंज भी कर लिया, इसके ऊपर जो एल्गी फॉर्म होता है उसे भी हमें धीरे धीरे करके क्लीन कर दिया। बट हम जिस ग्लास में या जिस किसी में भी हम इस कटिंग को रखते हैं, तो वो जो ग्लास हो या वेसल हो उसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्रीन कलर का चिपचिपाहट जो यहाँ चिपका हुआ होता है वो ग्लास के कॉर्नर में भी चिपका हुआ ज़रूर होगा। तो आपको क्या करना है, जब आप इसका पानी जब चेंज करते हो तो आपको ग्लास भी अच्छी तरह एक बार हल्के हाथों से या साबुन से आप जिस भी तरह एक बार क्लीन कर लीजिए, ताकि वो जो एल्गी है वापस जाकर आपके रूट्स पे ना लगे। सो फ्रेंड्स, हमने इसका पानी रेगुलरली चेंज कर लिया, इसका जो इसके ऊपर जो एल्गी फॉर्म होती है वो भी हमें क्लीन कर लिया, इसका जो ग्लास है वो भी हमने साफ़ कर लिया। अब चौथा हमको इस ध्यान रखने वाली ये पॉइंट है कि जब तक इसके रूट्स डेवलप होते हैं तब तक हमें इस कटिंग को छाए में या शेड में ही रखना है, क्योंकि अगर सनलाइट इस पर पड़ेगी तो रूट्स शायद ना डेवलप हो सके। तो मैंने अपने जो कटिंग्स है वो छाए में ही रखे थे, शेड में रखे थे। तो आप देख सकते हो उसके लीव्स कितने अच्छी तरह से ग्रो हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप रूट्स देख सकते हो मेरे बोगनविलिया की, ये मेरे 2 महीने का रिज़ल्ट है फ्रेंड्स। मैंने 2 महीने कंटिन्यूसली इसको पानी में रखा था, मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया। हर सुबह मुझे याद आता था कि इसको मुझे पॉट में लगाना है, लेकिन मैं हर सुबह भूल जाती थी, अपने कामों में लग जाती थी। इसीलिए मेरे कुछ रूट्स इसके डैमेज हो चुके हैं, गलती से मेरा हाथ लग गया था ग्लास पे। तो आप देख सकते कि कितना डैमेज हो चुका है, बट इसके लीव्स अभी भी अच्छे हैं। तो मैं होप करती हूँ कि ये शायद मेरा कटिंग चल जाए। बट आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट देखिए आप, पूरा ही इसका पूरे रूट्स
सब कुछ डैमेज हो चुके हैं और इसके लीव्स भी पूरे सूख गए थे। तो मुझे नहीं लगता ये कटिंग चलेगा, तो मैं इसे ट्राई नहीं करूँगी। मैं इन दोनों को मिट्टी में लगाऊँगी, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो मैं इसे पॉट में लगा के आपसे मिलती हूँ चुटकियों में। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे पॉट में लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये कनेर की कटिंग है, मैंने इसी तरह ग्रो की थी। इसकी कटिंग मैंने लाकर पानी में रखा था, इसके रूट्स डेवलप होने के बाद मैंने इसकी कटिंग पॉट में मैंने लगाया था। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया है, इसकी ग्रीन इसके लीव्स कितने ग्रीन है और इसमें फ्लावरिंग भी हो चुकी है फ्रेंड्स। एक बंच में इसके फ्लावर्स भी हुए थे। इसका जो पिक है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी इसी तरह रूट्स डेवलप हो, उसी के बाद लगाएं तो आपका जो कटिंग है वो सक्सेस ज़रूर होगा। और कोशिश करते रहना चाहिए, कटिंग्स हो सकता है कभी कभी ना भी सक्सेस हो, बट कोशिश करते रहो, कभी ना कभी सक्सेस होगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ कटिंग्स दिखाऊंगी जो मैंने डायरेक्टली सॉइल में लगाई थी। तो ये प्लांट मैं एक नर्सरी से लाई थी, छोटी सी कटिंग लाई थी। ये काफ़ी अच्छी तरह पॉट भर चुका था, बट एक दिन यहाँ पे हमारे यहाँ गर्मी बहुत है तो मैं पानी देना भूल गई और इसको डायरेक्ट सनलाइट पड़ गई, तो ये काफ़ी सूख गया था, पूरी तरह मतलब सूख ही गया था। फिर से मैंने इसे दो तीन प्लांट्स के नीचे शेड में रख दिया, तो इसके लीव देख सकते हो वापस ग्रो हो चुकी है। मुझे फ्रेंड्स इसका नाम नहीं पता है, अगर आपको इसका नाम पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका जो पिक है फ्रेंड्स, इससे पहले जब ये प्लांट हरा भरा था तब मैंने एक पिक लिया था, उसका पिक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। ये बहुत ही अच्छा, इसके ग्रीन अभी जो पत्ते दिख रहे हैं आपके ग्रीन दिख रहे हैं, लेकिन जब ये इसको सनलाइट में रखेंगे तो इसके पत्ते जो है वो रेड कलर के हो जाते हैं। इसका पिक मैं ज़रूर स्क्रीन पर दिखा दूँगी। आप इसका नाम जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरी नेक्स्ट कटिंग है जो मैंने डायरेक्टली सॉइल में लगाई थी। ये मेरे ख्याल से इसका नाम शायद स्वीट पोटैटो वाइन है। मैं एक गार्डन में गई थी तो वहाँ पे मुझे ये प्लांट दिख गया था, मुझे बहुत पसंद आया। ये शायद मेरे ख्याल से स्वीट पोटैटो वाइन ही होना चाहिए ऑर्नामेंटल। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाए तो शायद बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी ये कटिंग मैं सोच रही हूँ हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए। आपको अगर इसका नाम पता हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो कटिंग है आप दूसरा देख रहे हो, ये भी कनेर की कटिंग ही है। इसके साथ ही मैंने लगाया था पानी में। इसके जो रूट्स हैं मैंने अच्छी तरह डेवलप होने दिए, बट इसकी जो रूट्स, अभी मैंने बोगनविलिया में जैसे बताया था कि डॉट डॉट्स वाइट्स होते हैं, तभी मैंने इसको लगा दिया था सॉइल में। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट अभी भी मुझे कुछ मिला नहीं है, इसमें कोई न्यू ग्रोथ नहीं है और ना ही इसमें कोई मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने इसे रखा है, शायद हो जाए तो बढ़िया हो। सो फ्रेंड्स, ये मेरी नेक्स्ट कटिंग है। ये मैं एक नर्सरी गई थी तो वहाँ पर बाहर गेट पे नीचे शायद ये भी वेल वाली ही है, तो वहाँ लगी थी तो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने इसकी दो तीन कटिंग्स लेकर आई थी। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। ये मेरा हैंगिंग बास्केट ही है एक्चुअली, इसका जो हैंगर है वो मैंने अभी तक लगाया नहीं है, तो आप इसे चाहो तो हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसमें कुछ येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो अगर आपको इसका नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट में काफ़ी सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी, मैंने कुछ दो तीन कटिंग्स ही लगाई थी, लेकिन देखिए कितना फैल चुका है। तो आप ज़रूर इसे लगाइएगा और नाम पता हो तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी लास्ट कटिंग है जो डायरेक्टली मैंने सॉइल में लगाई थी। ये भी मैंने एक गार्डन से ही लेकर आई हूँ इसकी कटिंग, और आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। आपको इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है, कोई भी किसी भी सॉइल में आप इसको लगा दो, आसानी से लग जाएगा। इसकी भी मैंने शायद दो कटिंग्स कुछ लगाई थी, दो ही डंडी थी, दो ही स्टेम थी, बट आप देख सकते हो अभी कितने सारे स्टेम्स हो चुके हैं। आप अपने घर के बाहर अगर आपको कुछ प्लांट्स बिना मेंटेनेंस के या बिना केयर के चाहते हो तो आप इसे लगाइए, ये बहुत खूबसूरत लगता है और काफ़ी ऊंचा भी होता है। इसका नाम कुछ डेविल्स बैकबोन है। तो आपको अगर आप कभी कटिंग लगाए हो, आपका सक्सेस नहीं हुआ है, तो आप इससे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आप अगर ये लगाओगे तो आप में थोड़ी हिम्मत आएगी, हाँ मैं कटिंग लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, तो इससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हो कटिंग लगाने की। सो फ्रेंड्स,
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखते अब ये जो मैंने पॉट में लगाई है बोगनविलिया ये किस तरह ग्रो होती है, और जो मैंने कटिंग्स आपको मैंने दिखाई थी उसमें से मुझे किसी के नाम कुछ नाम्स पता नहीं थे, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली है कुछ, अभी अभी मेरी शुरुआत है यूट्यूब पे, तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखिएगा, दो तीन वीडियोस मैंने डाली है, तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी। आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपने जो ये जर्नी है वो आगे बढ़ा सकूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो और ये जो आइडिया जो मैंने आपको बोगनविलिया की कटिंग ग्रो करने के लिए दी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बी हैप्पी बी स्ट्रांग, बाय।